बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गलड़ से मुतलिक। गलड़ आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखने में आ रहा है। मेरे पास इस चीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और जो नुस्खा मैं अपने क्लिनिक पे यूज़ करवाता हूँ वही नुस्खा आप लोगों से गुज़ार करूँगा। पेशेंट का रिपीट होना, उसी मेडिसिन को दोबारा मांगना, इस चीज़ का पता चलता है कि गलड़ के पेशेंट ठीक भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और गलड़ की सूजन ख़त्म भी होने शुरू हो जाती है। मैं इस चीज़ पर बहस नहीं करूँगा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है और वो गलड़ का पेशेंट हो तो मैं उसको ये नुस्खा यूज़ करवाता हूँ, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में ही बेहतर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके गलड़ में सूजन है, आपको खाते हुए तकलीफ़ होती है, कंधों में दर्द रहता है और आपको जहाँ पर एक सूजन बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं और उसकी वजह से गले में तंगी भी होती है, तो उसके लिए ये नुस्खा दी बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कहा कि मैं उसको अपने क्लिनिक पे यूज़ करवाता हूँ। अगर आप गलड़ के पेशेंट हैं तो आप इस नुस्खे को यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में मुझे चीज़ को याद रखेंगे। इससे पहले कि वो नुस्खा आप दोस्तों से शेयर करूँ, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक थंब को प्रेस कर दें, लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे नुस्खाजात आपको वक्तन फ़क्तन मिलते रहा करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दें। साथ में बेल बटन आएगा, उसको प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्तन फ़क्तन मिलती रहा करेंगी। आज की वीडियो की बात करते हैं। इसमें तीन मेडिसिन यूज़ होती हैं, तीनों कोशिश करें आप शुआबे जर्मनी की लें, तीनों मेडिसिन नोट कर लें। इसको जो तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपने यूज़ करना है। अगर आप गलड़ के पेशेंट हैं या अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आपके पास गलड़ के पेशेंट आते हैं, उनको ये आप एक हफ़्ता यूज़ करवाएँ। एक हफ्ते में 10 दिन में इंशाल्लाह ताला दी बेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तीनों मेडिसिन आप नोट कर लें। फर्स्ट मेडिसिन है आयोडियम, मैं इसका डिस्प्ले भी यहाँ पे दे दूँगा। आयोडियम 30 में लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रोमियम, ये भी 30 में लेनी है। थर्ड मेडिसिन हाइड्रास्टिस, ये भी आपने 30 में लेनी है। अब आपने तरकीब ये करनी है कि हाइड्रास्टिस आपने 5-5 कतरे एक चम्मच पानी में डालकर खाना खाने से पहले यूज़ करने हैं, ठीक है। ये दिन में 3 दफ़ा यूज़ करने हैं हाइड्रास्टिस 30 को 5-5 कतरे एक चम्मच पानी में डालकर खाना खाने से पहले। ब्रोमियम 30 में आपने लेनी है, 5 कतरे एक चम्मच पानी में डालकर खाना खाने के 1 घंटे बाद यूज़ करने हैं। यानी ब्रोमियम को आपने सुबह दोपहर शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद यूज़ करना है। थर्ड मेडिसिन है आयोडियम, इसके 5 ड्रॉप्स आधी प्याली पानी में, वो जो 2 मेडिसिन हैं उसको आपने यूज़ करना है 1-1 चम्मच पानी में। ये जो आयोडियम है इसके 5 ड्रॉप्स आपने आधी प्याली पानी में यूज़ करने हैं। एक दफ़ा सुबह निहार मुँह, फिर दिन को 3 बजे और फिर एक दफ़ा रात को सोते वक्त। तरकीब यही रखिएगा, चूँकि ये वो तरकीब है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लिनिक पे यूज़ करवाता हूँ, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। इन तीनों मेडिसिन को मिक्स नहीं करना है, तरतीब यही रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप गलड़ के पेशेंट हैं तो इस मेडिसिन को यूज़ करें और अपनी दुआओं में मुझे चीज़ को याद रखें। बहरहाल आज की वीडियो इतनी ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आखिर में एक दुआ आप तमाम दोस्तों के लिए, तमाम अहबाब के लिए, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने तमाम चाहने वालों के लिए कि अल्लाह पाक आपको और मुझे इल्लत से, किल्लत से और जिल्लत से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।